जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। इस संगम में हम जानेंगे कि सभी लग्नों के कारक, मारक और बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं, ताकि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करके आसानी से ये पता कर सकें कि आपको कौन सा ग्रह सपोर्ट करता है, किसके कारण आपका भाग्योदय हो सकता है और किस ग्रह के कारण आपकी औन्नति हो सकती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों कारक, मारक और बाधक ग्रह के लिए हमने एक प्रकार का चार्ट बना लिया है। यदि आपको ज्योतिष में अगर इंटरेस्ट है तो आप ये जानते होंगे कि 12 प्रकार के लग्न होते हैं। आपकी कुंडली में जो सबसे पहला जो खाना होता है, जो भाव होता है, उसी से आपका लग्न निर्धारित होता है। तो दोस्तों हम आप बताएंगे आपको कि आपके कारक, मारक और बाधक ग्रह किस प्रकार से देखे जाते हैं। दोस्तों कारक, मारक और बाधक ग्रह की जो थ्योरी होती है वो बिल्कुल शतरंज के खेल के जैसी होती है। जैसे शतरंज के खेल में 64 खाने होते हैं और आपके सामने आपका विपक्षी बैठा रहता है और अपनी चाल चलता है, उसी प्रकार से कुंडली के अंदर भी आपके ठीक सामने जो ग्रह होते हैं, जो राशियां होती है, वो आपकी शत्रु मानी जा सकती है और वो अपनी चाल चलते हैं और आपके जो सहायक ग्रह है वो अपनी चाल चलते हैं और इस प्रकार से आपका जीवन चलता रहता है। तो कभी उन्नति देखने को मिलती है तो कभी अवनति देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो ये 12 खाने होते हैं इसी में आपका भाग्य छुपा हुआ होता है। दोस्तों कुंडली में कारक, मारक और बाधक ग्रहों का जो निर्धारण किया जाता है वो आपका लग्न देखकर ही किया जाता है कि आपका लग्न क्या है। इसका कारण ये है कि आपके लग्न के द्वारा ही ये जान सकते हैं कि आपका स्वभाव किस प्रकार का है और उस स्वभाव को कौन से ग्रह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लग्नेश होता है एक तो वो आपका सपोर्ट करेगा और उसके जो मित्र ग्रह हैं पंचमेश और नवमेश वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और आपके जीवन में उन्नति का कारक बनेंगे, उसी के कारण आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्नेश क्या होता है। जो लग्नेश होता है वो आपका जो कुंडली का जो पहला भाव होता है उसका जो स्वामी होता है वही आपका लग्नेश होता है। इस भाव में जो भी आपकी राशि आती है और उस राशि का जो स्वामी होता है वो आपका लग्नेश कहलाता है। ये सिंपल सी थ्योरी है, आप अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको ये पहले से ही पता होगा। अब हम देखते हैं कि कारक ग्रह की जो डिफिनेशन हमने देखी है क्या वो सही है। दोस्तों कारक ग्रह की डिफिनेशन के अनुसार जो लग्नेश के मित्र होते हैं पंचमेश और नवमेश, यानी कि पांचवें भाव का स्वामी और नवम भाव का जो स्वामी होता है वो लग्नेश का मित्र कहलाता है। ये आपका लग्नेश है, ये आपका पांचवें भाव का स्वामी और ये आपके नवम भाव का स्वामी, ये त्रिकोण बनाते हैं। इस प्रकार से इस त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो आपके कारक ग्रह कहलाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो मारक ग्रह होता है वो लग्नेश के ठीक सामने जो राशि होती है उसका स्वामी कहलाता है। ये आपका लग्न है, इसके ठीक सामने जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा, जब भी उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये ठीक आपके लग्न के ठीक सामने वाली राशि कहलाएगी और प्रकृति ने इसमें संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। जैसे आग, आग का जो अपोजिट होता है वो पानी होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ग्रह होगा, जो भी राशि होगी, उसके ठीक सामने वाली जो राशि होगी वो उसको बैलेंस करने का कार्य करेगी। तो जब भी वो बैलेंस करने का कार्य करेगी तो इस राशि वाले को तकलीफ जरूर होगी। जैसे आग है तो आग के ठीक सामने पानी आएगा, यहाँ पे अगर उजाला है तो यहाँ पे अंधेरा आएगा, यहाँ पे जो भी राशि है उसके ठीक विपरीत राशि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, उसके ठीक सामने जो राशि आएगी वो उसको बैलेंस करने का कार्य करेगी। यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह है तो यहाँ पे सोम्य ग्रह आ जाएगा, यहाँ पे सोम्य ग्रह है तो यहाँ पे क्रूर ग्रह आ जाएगा और उसके लग्न के ठीक विपरीत परिणाम वाला यहाँ पे ग्रह आएगा।
और वो जब भी दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको कष्ट अवश्य होगा, क्योंकि वो आपके लग्न के विपरीत कार्य करेगा, इसलिए इसको मार्केश कहा जाता है। तो मार्केश क्या हो गया, लग्न का शत्रु सप्तमेश। यहाँ पे जो भी राशि आएगी वो आपका मार्केश होगा। अब बाधक ग्रह की बात करते हैं दोस्तों। बाधक ग्रह लग्नेश के मित्र के शत्रु कहलाते हैं। यह आपका लग्न है, इसके ठीक सामने आपका मारक हो गया। यह आपका मित्र है, यह आपका मित्र है, इसके ठीक सामने जो राशि आएगी उसका जो स्वामी है, मित्र के सामने जो राशि आएगी आपका शत्रु, मित्र के सामने जो राशि आएगी वो आपका शत्रु। तो तृतीयेश और एकादशेश यह आपके बाधकेश हो जाएंगे, मतलब कि मार्केश तो बिल्कुल आपके लग्न के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, लेकिन बाधकेश इतने विपरीत नहीं होंगे, लेकिन ये भी आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न अवश्य करेंगे। एक थ्योरी यहाँ पे हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो ग्रह है, यहाँ पे जो घर आएगा वो छठे से छठा होगा। ये आपका लग्न है, ये इसका छठा घर है, यहाँ से जो छठा जो भाव आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो छठा भाव आएगा छठे से छठा, ये भी आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा। यहाँ पे जो घर आएगा वो अष्टम से अष्टम रहेगा, ये सातवां और ये आठवां, अष्टम से अष्टम थ्योरी और छठे से छठे के अनुसार भी ये दोनों जो राशियां हैं और इनके जो स्वामी हैं वो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जो लग्नेश हो जाएगा वो हो जाएगा मेष लग्न, और मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। इस प्रकार से जो आपका जो लग्नेश हो जाएगा वो मंगल हो जाएगा। अब इसका जो पंचम भाव है, पंचम भाव में लिखा हुआ है 5 नंबर, तो 5 नंबर का जो लग्न होता है, 5 नंबर की जो राशि होती है वो होती है सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य, तो सूर्य आपका मित्र हो जाएगा। यहाँ पे हम सूर्य लिख देते हैं। इसके अलावा नवम भाव का जो स्वामी है वो हो जाएगा बृहस्पति, यानी गुरुदेव बृहस्पति, तो हम यहाँ पे बृहस्पति लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। तो ये लग्नेश के मित्र पंचमेश और नवमेश कहलाते हैं। अब ये क्यों कहलाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पांचवा भाव जो है वो आपके पूर्वजों का भाव कहलाता है और आपके पूर्व जन्म का भाव कहलाता है। तो आप पूर्व जन्म से इस जन्म में आए हैं, इसको सपोर्ट करने वाला जो ग्रह होता है वो आपका पंचमेश कहलाता है, कि आपको भविष्य में कौन कौन से कार्य करना है। इसके लिए पांचवा जो भाव होता है वो आपका मित्र कहलाता है। इसी प्रकार से जो नवम भाव होता है वो पिता के घर का भाव कहलाता है। इसके अलावा इससे ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है वो भी देखी जाती है, कि ईश्वर से आपका लगाव कितना है। इस प्रकार से ये और ये दोनों ग्रह आपके जीवन में उन्नति में सहायक होते हैं, इसलिए ये दोनों ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं और आपके कार्य ग्रह बन जाते हैं। और लग्नेश के मित्र पंचमेश और नवमेश कहलाते हैं। जैसे मेष लग्न में सूर्य और बृहस्पति आपके कार्य ग्रह बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम मार्ग ग्रह की बात करते हैं। मार्ग ग्रह की डेफिनेशन के अनुसार लग्नेश का जो शत्रु होता है वो आपका मार्ग ग्रह कहलाता है, मतलब जो लग्न है आपका उसके ठीक सामने जो लग्न होता है, उसके ठीक सामने जो राशि होती है उसका जो स्वामी होता है वो आपका मार्केश कहलाता है। मार्केश का मतलब ये नहीं होता है कि वो ग्रह बिल्कुल मार डालेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लग्न होता है उसके ठीक सामने का जो उसके ठीक सामने जो राशि होती है वो आपको बैलेंस करने का कार्य करती है। आप यहाँ पे कोई सा भी लग्न लीजिए, उसके ठीक सामने जो सप्तम राशि आएगी वो उसकी ठीक अपोजिट राशि कहलाएगी। जैसे यहाँ पे है 1 नंबर, तो 1 नंबर का जो स्वामी है वो मंगल है, मंगल के ठीक सामने आता है
सात नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह एक सौम्य ग्रह है, मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह है। तो मंगल और शुक्र की मित्रता कभी नहीं होती है। अगर हम दैत्य लग्न और देव लग्न वाली थ्योरी पर भी चलें तो उसमें भी मंगल जो है वो देव लग्न का स्वामी, देव लग्न से आता है, और जो शुक्र है वो दैत्य लग्न का गुरु कहलाता है। इसलिए भी ये थ्योरी भी यहाँ पे अप्लाई होती है कि आपके लग्न के ठीक सामने वाला जो राशि है वह आपकी मार्केट होगी। जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तब आपको तकलीफ उठाना पड़ सकती है। तो इस प्रकार से जैसे मेष लग्न है तो मेष लग्न के ठीक सामने आती है तुला राशि, और तुला राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र ग्रह। तो आपका सिर्फ एक ही मार्केश होता है वो है सप्तमेश, और मेष लग्न का जो सप्तमेश है वो है शुक्र ग्रह। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बाधक ग्रह की बात करते हैं। बाधक ग्रह जैसे प्रकृति में क्या होता है कि प्रकृति हमेशा अपना बैलेंस बना के चलती है, कभी भी कम और ज्यादा नहीं होने देती है। किसी भी ग्रह की पावर वो कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होने देती है कि वो दूसरे ग्रहों पे हावी हो जाए, चाहे वो आपके मित्र हो चाहे आपके शत्रु हो। और जीवन में इसी प्रकार से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे जैसे ग्रहों की दशा और अंतरदशा आती है उसी प्रकार से आपके जीवन में उन्नति होती है या आपका पतन होता है। इसी कारण से ये बाधक ग्रह की थ्योरी भी बनाई गई है कि आपके जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न करता है, जो ब्रेक का काम करता है, वो आपके बाधक ग्रह कहलाते हैं। तो दोस्तों जो आपका जो लग्न है, आपके लग्न का शत्रु मार्केश हो गया, आपके मित्रों का शत्रु बाधकेश हो गया, ठीक है दोस्तों। लग्न का शत्रु मार्केश, कारक ग्रहों का जो शत्रु होता है वो बाधकेश कहलाता है। अब ये क्यों कहलाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थ्योरी के अनुसार लग्नेश के मित्र के शत्रु तृतीयेश और एकादश, ये आपके लग्न के मित्र हैं। पंचमेश, इसके ठीक सामने सप्तम जो राशि आएगी वह आपकी बाधक राशि कहलाएगी। जैसे यहाँ से आप चलेंगे तो सातवीं राशि यहाँ आएगी। 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शनि, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम शनि लिख लेते हैं। अब आपका जो नवमेश है, नवमेश के ठीक सामने जो राशि आएगी ये सप्तम दृष्टि, सातवीं जो राशि होती है वो हमेशा उसके सामने वाले की शत्रु मानी जाती है। तो यहाँ से जो सातवीं राशि आएगी वो आएगी मिथुन राशि, और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध ग्रह। ये भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लग्नेश का जो शत्रु है वो मार्केश होता है, और कारक ग्रहों का जो शत्रु होता है वो बाधक ग्रह होता है। तो जो मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में बाधक ग्रह क्या हो गए, शनि और बुध, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब दूसरे लग्न की बात करते हैं। दूसरे लग्न का नाम होता है वृषभ लग्न। अगर यहाँ पे दो नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न कहलाएगा। इसका जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। तो आपको जो सपोर्ट करेंगे वो होंगे लग्नेश के मित्र पंचमेश और नवमेश। या आपका पंचमेश है या आपका नवमेश है। तो बुध और शनि इस कुंडली को हमेशा सपोर्ट करेंगे अगर अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपका जो मार्केश है यानी कि आपके लग्न के ठीक सामने जो राशि है उसका जो स्वामी है वो आपका मार्केश है, वो है मंगल। जब भी मार्केश की दशा अंतरदशा आती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देती ही है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका बाधकेश देखते हैं, लग्नेश के मित्र के शत्रु, या आपके लग्नेश के मित्र हैं, इसके ठीक सामने जो सातवीं राशि है वो आपकी शत्रु राशि हुई। 6 के सामने ठीक आती है 12 नंबर, अर्थात ये मीन राशि। मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, तो ये आपको हमेशा बाधा देगा। इसके अलावा 10 नंबर के ठीक सामने आती है 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो होता है चंद्रमा। तो जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी या फिर कुंडली में वो जहाँ भी बैठे हुए होंगे तो उस भाव को प्रभावित करेंगे और आपके कार्य में
बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए चंद्रमा और बृहस्पति इस कुंडली के बाधक ग्रह माने जाएंगे। दोस्तों यदि आपके लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है तो जो आपका लग्नेश होगा वो बुध होगा, क्योंकि मिथुन लग्न बनेगा। मिथुन लग्न का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। इसके जो कारक ग्रह हैं यानी कि आपके जो पंचमेश और नवमेश हैं वो शुक्र और शनि बनेंगे। 7वां नंबर तुला राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। तो आपके जो सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं वो शुक्र और शनि हैं। आपका जो मार्केश है वो आपके ठीक सामने वाला जो राशि है उसका स्वामी कहलाएगा। आपके ठीक सामने जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कहलाता है। तो बृहस्पति आपका मार्केश होगा। जब भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको काफी कष्ट उठाना पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बातकेश है वो आपके तृतीयेश और एकादशेश है। आपको जो सपोर्ट करते हैं उनके ठीक सामने वाले जो ग्रह हैं वो आपके बातकेश है। 7 नंबर के ठीक सामने आता है 1 नंबर, तो मंगल इसका स्वामी है। ये आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा। 11 नंबर के ठीक सामने आता है 5 नंबर, सूर्य इसका स्वामी है। तो जब भी मंगल और सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी तो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी ही। तो दोस्तों ये हो गई बुध लग्न की कुंडली। दोस्तों अब बात करते हैं हम कर्क लग्न की। यदि आपके लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो लग्न बनेगा वो कर्क लग्न बनेगा और इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो कारक ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं वो क्या बनेंगे? पंचमेश और नवमेश। ये आपका पंचमेश है, वृश्चिक राशि यहाँ पे आती है और इसका जो स्वामी होता है वो मंगल कहलाता है। और यहाँ पे 12 नंबर अर्थात मीन राशि आती है और इसका जो स्वामी कहलाता है वो बृहस्पति कहलाता है। तो मंगल और बृहस्पति आपके कारक ग्रह बनेंगे, मतलब कि ये दोनों ग्रह आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब मारक ग्रह की बात करते हैं। लग्नेश का जो शत्रु होता है, लग्नेश के ठीक सामने की जो राशि होती है उसका जो स्वामी होता है वो मारक ग्रह कहलाता है, सप्तमेश। और आपके ठीक सामने जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि का जो स्वामी कहलाता है वो शनि होता है। तो शनि आपका मार्गदर्शक होगा। जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा या वर्षफल के अंदर जब भी शनि गोचर में आएंगे तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अब बाधक ग्रह की बात करते हैं। जो आपका तृतीयेश होता है और जो आपका एकादशेश होता है वो आपके बाधक ग्रह कहलाते हैं। लग्नेश के मित्र के शत्रु, मित्र के शत्रु ये आपके बाधकेश हो जाएंगे। 2 नंबर अर्थात की वृषभ राशि आ जाएगी यहाँ पे और इसका जो स्वामी है शुक्र है। यहाँ पे 6 नंबर अर्थात की कन्या राशि आ जाएगी, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध कहलाएगा। तो इस प्रकार से शुक्र बुध ये आपकी कुंडली को डिस्टर्ब करेंगे, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। दोस्तों अगला लग्न है सिंह लग्न। यदि आपके लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न कहलाएगा और इसका जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। सूर्य ग्रह के जो कार्य ग्रह होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं वो होते हैं बृहस्पति और मंगल। लग्नेश के मित्र पंचमेश और नवमेश। ये आपका पंचमेश है, इसका जो स्वामी है बृहस्पति है और ये आपका नवमेश है, आपका भाग्येश भी इसको बोलते हैं। ये मंगल ग्रह है। तो ये बृहस्पति और मंगल ग्रह हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो मारक ग्रह है वो है आपका सप्तमेश। आपके ठीक सामने वाला जो ग्रह है वो आपका सप्तमेश कहलाता है और वो है उसका जो स्वामी है वो है शनि। तो शनि हमेशा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, क्योंकि सूर्य और शनि की मित्रता भी नहीं मानी जाती है, परम शत्रु एक दूसरे के माने जाते हैं। इस कारण से शनि आपका मार्केश कहलाएगा। अब आपके कार्यों में जो बाधा उत्पन्न करेंगे वो होंगे शुक्र और बुध, तृतीयेश और एकादशेश, लग्नेश के मित्र के शत्रु। तो ये आपका तृतीयेश है, ये शुक्र है और ये आपका एकादशेश है, ये बुध है। तो इस प्रकार से शुक्र और बुध आपके बाधक ग्रह बन जाएंगे। दोस्तों अब कन्या लग्न की बात करते हैं। यदि आपके लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न बन जाएगा और कन्या लग्न का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। अब आपके जो कारक ग्रह हैं वो आपके पंचमेश और नवमेश बनेंगे, जो कि शनि और शुक्र बनेंगे। इसके अलावा जो आपका मार्केश होगा लग्नेश का शत्रु सप्तमेश, वो बृहस्पति होगा, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि आ रही है। और जो आपका बाधकेश होंगे वो लग्नेश के मित्र के शत्रु होंगे, तृतीयेश और एकादशेश, तृतीयेश और एकादशेश।
इसका जो स्वामी होता है वो होता है मंगल, और इसका जो स्वामी होता है वो होता है चंद्र। इस प्रकार से मंगल और चंद्र आपके कार्यों में हमेशा बाधा उत्पन्न करेंगे। दोस्तों अगला लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। यहाँ अगर आपके 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो स्वामी होगा वो शुक्र होगा। आपके जो कारक ग्रह हैं वो आपके पंचमेश्वरों में शनि और बुध कहलाएंगे, ये और ये आपके मित्र ग्रह कहलाएंगे। आपका जो मार्केश है वो लग्नेश का शत्रु सप्तमेश कहलाता है। आपके ठीक सामने जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी है वो मंगल है, इसलिए मंगल आपका मार्केश कहलाएगा। जब भी मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ सकते हैं। आपके जो बाधक ग्रह हैं यानी लग्नेश के मित्र के शत्रु, ये लग्नेश के मित्र हैं, इनके शत्रु इनके ठीक सामने वाली राशि, ठीक है दोस्तों। तो इसके ठीक सामने राशि आ रही है सूर्य की, और इसके ठीक सामने जो राशि आ रही है वो आ रही है बृहस्पति की। तो बृहस्पति और सूर्य जो हैं वो आपके बात के हैं। जब भी बृहस्पति और सूर्य की दशा या अंतरदशा आएगी तो आपके कार्यों में बाधा अवश्य उत्पन्न होगी। दोस्तों अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। यदि आपके लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न कहलाएगा, और इसका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। अब आपके जो कारक ग्रह हैं वो लग्नेश के मित्र आपके पंचमेश और नवमेश, ये पंचमेश और ये नवमेश है। तो इसका जो स्वामी होता है वो बृहस्पति कहलाता है, और इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। इस प्रकार से जो आपको सपोर्ट करेंगे वो बृहस्पति और चंद्रमा रहेंगे। आपका जो मारक ग्रह है वो ठीक आपके सामने वाला है, इसके ठीक सामने आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र आपका मार्केश होगा। जब भी मार्केश की दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेंगे। बाधक ग्रह जो होते हैं वो लग्नेश के मित्र के शत्रु कहलाते हैं, तृतीयेश और एकादशेश। ये आपका तृतीयेश है, ये आपका एकादशेश है। इसके जो स्वामी है वो शनि और बुध कहलाएंगे। इस प्रकार से शनि और बुध की जब भी दशा या अंतरदशा आएगी तो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। दोस्तों अगला लग्न है धनु लग्न। यदि आपके लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और जो इसका जो स्वामी होता है वो बृहस्पति कहलाता है। इसको जो सपोर्ट करेंगे वो लग्नेश के मित्र पंचमेश और नवमेश जो हैं वो मंगल और सूर्य कहलाएंगे। ये आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो मार्ग ग्रह होगा वो होगा बुध ग्रह, क्योंकि लग्न के ठीक सामने 3 नंबर लिखा हुआ है और इसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है, इसलिए आपका जो मार्केश होगा वो बुध होगा। जब भी मार्केश की दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको कष्ट उठाना पड़ सकते हैं। आपके जो बाधक ग्रह हैं वो लग्नेश के मित्र के शत्रु होंगे तृतीयेश और एकादशेश, शनि और शुक्र। इसके ठीक सामने वाला और इसके ठीक सामने वाला जो भाव है उसका जो स्वामी होता है वो आपका बाधकेश होगा, और आपके जो बाधक ग्रह होंगे वो शनि और शुक्र होंगे। जब भी इनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको बाधाएं उत्पन्न करेगी। तो अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मकर लग्न। मकर लग्न का जो स्वामी होता है वो शनि कहलाता है। आपको जो सपोर्ट करेंगे वो ग्रह होंगे शुक्र और बुध। आपका जो पंचमेश है वो शुक्र होगा, और आपका जो नवमेश है वो बुध होगा। आपका जो मारक ग्रह है वो है चंद्र। चंद्रमा की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ सकते हैं। और आपके जो बाधक ग्रह हैं लग्नेश के मित्र के शत्रु तृतीयेश और एकादशेश, तृतीयेश और एकादशेश, इसके ठीक सामने वाला और इसके ठीक सामने वाला जो ग्रह का स्वामी, जो भाव का स्वामी होता है वो आपका बाधकेश कहलाएगा। तो आपका जो तृतीयेश है उसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और एकादशेश का जो स्वामी है वो है मंगल। तो बृहस्पति और मंगल कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। दोस्तों अगला जो लग्न है वो है कुंभ लग्न। अगर आपके लग्न में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो लग्न होगा वो कुंभ लग्न होगा। कुंभ लग्न का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। आपके जो कारक ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे वो लग्नेश के मित्र पंचमेश और नवमेश, ये पंचमेश और ये नवमेश, ये बुध और शुक्र बनेंगे। आपका जो मारक है वो आपका सप्तमेश, अर्थात कि आपके लग्न के ठीक सामने वाला जो भाव है उसका जो स्वामी है वो बनेगा, और इसका जो स्वामी है वो सूर्य है। तो सूर्य आपका मार्केश होगा। आपका जो बाधक होगा वो होगा तृतीयेश और एकादशेश, इसके ठीक सामने वाला और इसके ठीक सामने वाला जो ग्रह है वो आपका बाधकेश होगा। इसके ठीक सामने है बृहस्पति और इसके ठीक सामने है मंगल। तो मंगल और बृहस्पति आपके लग्न के शत्रु बनेंगे और आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। दोस्तों आखिरी लग्न है मीन लग्न।
मीन लग्न का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है, और आपको जो सपोर्ट करेंगे आपके जो कार्य ग्रह है लग्नेश के मित्र पंचमेश्वर रमेश, वो चंद्रमा और मंगल बनेंगे। इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, इसका जो स्वामी है वो मंगल है। आपका जो मारक ग्रह बनेगा आपके लग्न के ठीक सामने जो राशि उसका जो स्वामी है वो है बुध। तो जब भी बुध की दशा या अंतर दशा आएगी तो आपको कष्ट उठाना पड़ सकते हैं। आपके जो बाधक ग्रह है वो लग्नेश के मित्र के शत्रु, ये लग्नेश के मित्र है और इनके शत्रु ये आपके बाधकेश बनेंगे, और वो होंगे शुक्र और शनि, शुक्र और शनि। जब भी बाधक ग्रहों की दशा या अंतर दशा आएगी तो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो मीन लग्न का जो लग्नेश के मित्र हैं वो चंद्रमा और मंगल हैं, जो मार्केश है वो बुध है, और जो आपके मित्र के शत्रु हैं बाधक ग्रह हैं वो शुक्र और शनि कहलाएंगे। दोस्तों कुंडली में कोई सा भी ग्रह होता है वो सिर्फ अपने तत्व को ही प्रभावित करता है, जैसे कि जो उसके कारक तत्व होते हैं पंचमेश और नवमेश, तो पंचमेश जो होगा उसके जो तत्व होंगे वो उसी को प्रभावित करेगा, नवमेश जो है उसके जो तत्व होंगे वो उसी को प्रभावित करेंगे। जैसे कि मंगल, मंगल ग्रह के जो तत्व होते हैं, मंगल ग्रह के तत्वों में ब्लड आता है, भूमि आती है, मकान आता है, वाहन की सुविधा जो होती है वो सभी मंगल के तत्वों में आती है, क्रोध आता है। तो जब भी मंगल आपका कारक हो, मारक हो या बाधक हो, तो मंगल से संबंधित परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। या तो आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, या आपका आपके साहस में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे शुक्र है, तो शुक्र के तत्वों में अगर आपका कारक ग्रह है और आपको सपोर्ट करता है और उसकी दशा या अंतर दशा चल रही है तो सिर्फ उसके तत्व ही प्रभावित होंगे। इसके अलावा जैसे आपका कोई मारक ग्रह है, तो मारक ग्रह कोई सा भी हो, जैसे कि शनि, शनि का मारक ग्रह होता है चंद्रमा या सूर्य। अब कई लोग इसको ये कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य मारक नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा और सूर्य भी उसके अनुसार उनके जो तत्व होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, शनि लग्न वालों को जब भी चंद्रमा की दशा या अंतर दशा आएगी तो उनको कष्ट उठाने पड़ेंगे, उनके मन के अंदर व्याकुलता बढ़ जाएगी और वो कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं जो उनके हित में नहीं हो। इसी प्रकार से जो बाधक ग्रह होते हैं उनके जो तत्व होते हैं वो उसको प्रभावित करते हैं और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बाधक ग्रह बुध है, तो बुध के जो तत्व हैं व्यापार है, बुद्धि है, इसको ही वो प्रभावित करेगा और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये चार्ट बन गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तीन ग्रह आपकी कुंडली को सपोर्ट करते हैं। एक तो सबसे पहला आपका लग्नेश, आपका पंचमेश और नवमेश, तीन ग्रह आपके सपोर्ट में रहेंगे हमेशा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आपके जीवन में उन्नति का कारक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई है, वो ये है कि ये जो तीनों ग्रह हैं ये अच्छे भाव में होना चाहिए और इनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, तो ये काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीन ग्रह जो हैं वो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे, जो आपका सप्तमेश है, तृतीयेश है और एकादशेश है। इन ग्रहों के कारण आपको हमेशा कष्ट उठाने पड़ेंगे, भले ही ये किसी भी भाव में बैठे हों, कितनी भी डिग्री के हों, ये आपको कष्ट अवश्य देंगे। गोचर में भी जब ग्रहों की जो प्लेसमेंट बदलती है उससे भी कुंडली पे काफ़ी असर होता है, और आपके मित्र ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे यदि गोचर के अंदर वो अच्छे भाव में जा रहे हैं, और यदि मारक ग्रह या बाधक ग्रह गोचर के अंदर उनके हिसाब से उनके भाव में जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ये एक सामान्य सी थ्योरी है, इसके माध्यम से सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि आपको सपोर्ट कौन सा ग्रह कर रहा है और आपके खिलाफ कौन सा ग्रह है, आपको उसके उपाय क्या करने हैं, क्या आपको उसका रत्न पहनना है या जाप करना है या फिर उसका दान करना है, इन सभी का निर्धारण कुंडली को देखकर ही किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।
अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।